मैं कि मम्मा आज ना मैं चाय पीऊंगी वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरियत के साथ होंगे ताला आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं दो दो तीन तीन दिन कहाँ बिजी होती हूँ क्यों मैं इतनी एब्सेंट रहने लग गई हूँ और मेरी कैसी रूटीन जारी और मैं क्यों परेशान हूँ ठीक है तो बताती हूँ जी ये कि रूटीन मेरी इतनी ज़्यादा बिजी जा रही है बच्चों के समर टास्क ने तो मेरा वक्त निकालना इतना मुश्किल कर दिया है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता सुबह से शाम तक मैं बच्चों के कामों में इतनी बिजी रहने लग गई हूँ बच्चों के कभी समर टास्क कभी कुछ कभी कुछ बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा बच्चों का समर टास्क है और मेरे लिए इतना टफ हो गया जैसे मैं स्कूल पढ़ने लग गई हूँ सारा दिन मैं इनके साथ बैठी रहती हूँ इतना इतना वर्क स्कूल वालों ने दिया है ना बच्चों को कि मैं कहती हूँ बहुत वर्क दी है और बच्चे भी बेचारे इतने परेशान हो गए हैं कि हम हमारे लिए खेलने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है डेली डेली की इनकी डायरीज हैं जिनको कवर करवाना भी बच्चों के लिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो अब आप भी कहते होंगे ना हम दो दो तीन तीन दिन बिल्कुल भी वीडियो नहीं डालती है इसलिए क्योंकि इतनी मसरूफ़ीत की वजह से ना मैं बिल्कुल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ कोई वीडियो बना नहीं पा रही हूँ कुछ कुछ वैसी मैं कुछ कोई अच्छा स्पेशल बना नहीं पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं खुद भी बड़ी परेशान हूँ क्योंकि आपको पता है किचन में खाना खाना पकाने के बगैर मैं मैं नहीं रह सकती मुझे तो ये तो मेरी लाइफ है खाना बनाना मज़े मज़ेदार रेसिपीज रेडी करना तो बस तो साथ साथ जी मैं आपके साथ अपने ब्लॉब के बारे में भी बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज वलों वाले क्रिस्पी पराठे और साथ में ऑमलेट बना रही हूँ बच्चों के लिए सुबह नाश्ता तो ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो अयान ले लेता है और फिर मुझे वो दे देता है और फिर मैं इसको अपलोड कर देती हूँ वॉइस करके ठीक है अलहमदिल्ला ये है कि बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं अलहमदिल्ला एयाान है वो भी वीडियो बना लेते हैं तो बड़ी अच्छी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा इतनी टेंशन भी नहीं होती है बल थोड़ा होता है कि मैं कोई न्यू रेसिपी नहीं बना पा रही हूँ आपके साथ अच्छी अच्छी कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया उसके बाद बाजी आ गई थी और करते कराते फिर मेरा दिल था कि भाई आज जरा कुछ थोड़ा सा मौसम अच्छा है तो मैं चलो अभी मम्मा के घर चक्कर लगा के आती हूँ तो यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी किया और ज जैसे यहाँ पे मैं रेडी करी थी तो मैंने देखा कि अभी यहाँ के इतने बाल ड्राई हो रहे हैं क्योंकि ये डेली शैम्पू कर रही है तो मैंने कहा चले मैं इसके ना सर पे ऑयलिंग करती हूँ ताकि इसके जितने भी बाल ड्राई हैं जो डैमेज हो रहे हैं वो यहीं पर रुक जाएं वरना ये ना के बाल ख़राब हो जाएं तो एकदम मुझे ऐसे बादलों की आवाज़ आई और जल्दी से मैं ऊपर गई हूँ क्योंकि सुबह ही मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मशीन भी लगा ली थी मैंने सारे कपड़े उतारे हैं और अंदर कमरे में रख दिए हैं ऊपर वाले कमरे में ही और फिर उसके बाद जी बच्चों को भूख लग गई फिर मुझे ये डर था कि ये ना हो कि हम जैसे ही यहाँ घर से निकलें और बारिश ना हो जाए तो मैंने कहा चलें ठीक है अब थोड़ी देर फिर और रुक जाते हैं फिर मैंने अयान को भेजा और यहाँ पे हमारे एक बहुत ही अच्छा एक न्यू पॉइंट खुला है ओपन हुआ है यहाँ पर और वो है कराची की फ़ेमस मशहूर बिरयानी इतनी कमाल की बिरयानी होती है मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत कम यहाँ से कोई चीज़ ले कर खाती हूँ क्योंकि मेरे अपने ही पॉइंट फिक्स हैं मैं शुरू से वही चीज़ खाती हूँ मैं न्यू न्यू बार बार ट्राई नहीं करती हूँ यहाँ पर जो मे जो मेरे एरिए के करीब है तो तो ये बिरयानी इतनी कमाल की इतनी इतनी टेस्टी है ना कि मैं कहती हूँ इससे कोई और परफेक्ट बिरयानी तो हो ही नहीं सकती है तो मैंने ये टू बॉक्सेस मंगवाए थे और ये वन बॉक्स एक बंदा ना आराम सुकून से खा लेता है और उसका पेट फुल हो जाता है बहुत ही कमाल की और स्पाइसी बिरयानी है आपको पता है कि कराची की तो वैसे स्पाइसी बिरयानी होती है तो सेम एज़ इट इज़ ये भी वही है तो यहाँ पे जी अयान जैसे लेकर आए ना ये बिरयानी के बॉक्सेस तो अयान शॉवर लेने चले गए थे और मैंने यहाँ पे अपनी बिरयानी की प्लेट निकाली और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतनी प्यारी इतनी अच्छी खुशबू की वजह से ना तो फिर मैंने खाई उसके बाद ऐन आया ने अपना बॉक्स खाया और दली से भी मैंने बाकी बच्चों को शेक बना के दिया और मैं निकल आई ये मामा की तरफ आज मैंने बहुत हिम्मत की है मैं कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं रिक्शा करवाऊँ और चली जाऊँ तो हमारे नेबर्स हैं उन्होंने हम भी मुझे रिक्शा करवा के दिया और फिर मैं आई क्योंकि रिक्शा करवा के कहीं जाना मुझे बहुत मुश्किल के लगता है और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जाना था मम्मा की तरफ क्योंकि सबसे छोटी सिस्टर ने लेनी थी यहाँ पे स्टाइलों शूज। से शूज़ क्योंकि अब दोबारा सेल लग गई है और आपको पता जब सेल लगती है ना तो हर कोई जाता है तो यहाँ पे फिर सिस्टर ने कहा भी मैंने लेनी है और फिर मैंने कहा चलने ठीक है मैं भी बड़ी वो एक हफ्ते की मुझे कह रही थी आना आना माना फिर चलेंगे आना नम फिर आना चलेंगे तो बहरहाल जी मैंने टाइम पक्का बना लिया मैंने कहा नहीं भी अब जाना है अब उसने काफ़ी दिन से मुझे कह रही है अब अच्छा नहीं लगता इतना कहना तो फिर इसलिए मैं चली गई और बहुत हिम्मत करके मैं बहुत कम जाती हूँ बहुत कम का मतलब कि बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ ऐसे जैसे भी अपने हस्बैंड के बगैर मैं कहीं नहीं जाती हूँ बाहर गली में भी ये वो इस तरह मैं कभी भी नहीं जाती हूँ <laughs> मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ घर पे नहीं है तो मैं ऐसे ही बैठ रहती हूँ बहरहाल मैं बाहर नहीं जाती हूँ पता नहीं मेरी नेचर ही ऐसी है तो यहाँ पर जी हमने शूज़ देखे मैंने तो शूज़ देखे क्योंकि मैंने नहीं लिए क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम शूज़ लिए थे वो भी मैंने अभी पहने ही नहीं है ऐसे कैसे ही पड़े हैं तो सिस्टर ने यहाँ से ली अपनी दो जूतियाँ लीं उन्होंने अपना एक एक नॉर्मल कैजुअल के लिए ली और एक वैसी उसने फैंसी ली थोड़ी सी तो बड़ी अच्छी उसको मिल गई तो वो ली यहाँ पे ड्रेसेस मैं देख रही थी ड्रेसेस के कलर बहुत अच्छे होते हैं और इनके प्रिंट बहुत ज़बरदस्त होते हैं तो और इनके बैग्स बहुत अच्छे थे और ये भी सारे ऑफ पे थे फिफ्टी परसेंट ऑफ थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जैसे भी क्राउड था तो उसके बाद जी बस फिर हमने रिक्शा करवाया मम्मा फिर अपने घर चली गई और मैं फिर अपने घर चली गई क्योंकि अगर मैं मम्मा की तरफ जाती और फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती तो इसलिए भी मैंने नहीं किया कि मैं मम्मा की तरफ दोबारा जाऊँ फिर आऊँ नहीं फिर मैंने नहीं किया फिर मैं सीधा अपने घर डायरेक्ट आई तो यहाँ पर घर आई हूँ तो अलहमदल फिर और अच्छा मौसम हो गया और जब इतना अच्छा मौसम था तो फिर दिया कि भाई कुछ अच्छा सा कुछ स्पेशल बनाऊँ अच्छा मेरा आजकल माइंड होता है कि जब भी मौसम अच्छा हो तो मैं एंजॉय करूं थोड़ा सा वैसे ही मौसम को एंजॉय करूं कि क्या मैं सारा दिन किचन में कभी-कभी दिल करता है ना ऐसे तो ये भी मेरे साथ था अभी मैंने आज कुछ नहीं बनाया तो आज माशाल्लाह हस्बैंड लिया हैं दो आम की पेटियां और जो पहले थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे और आपको पता ही है कि बच्चे नहीं सॉफ्ट कोई चीज़ खाते तो क्योंकि जो पहले जो आम था ना अच्छा यहाँ पे ना आम की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं बड़ी किस्में होती हैं अनवलटो और चौंसा और लंगड़ा मुझे तो ये तीन नाम आते हैं बाकी बाकी मुझे नहीं आते हैं तो जो पहले आया था वो लंगड़ा आम था <laughs> तो उसका था कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो वो बच्चों ने नहीं खाया बच्चे कहते नहीं मम्मा इसमें तो बाल आ रहे हैं तो बाल वो बच्चों ने नहीं खाया वो फिर हस्बैंड ने और मैंने और मैंने बाजी को सारे दे दिए और बाकी फिर ये लेकर है, ये है भी अनवल लिटोर और आई थिंक यही नाम होता होगा यही ऐसे ही कहते होंगे इसे और ये ले आए और ये आम बहुत टेस्टी होता है बहुत ज़बरदस्त होता है और इसकी ऐसी खुशबू होती है जब आप किचन सॉरी जब हाँ वैसे तो आप भी किचन में रखें या जिस रूम में भी रखें वहाँ पे भी सारी खुशबू होती है और जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं ना तो मैं कहती हूँ कोई और चीज़ तो आप फ्रिज में रख ही नहीं सकते ये आम की इतनी शार्प किस्म की भी खुशबू होती है बहुत ही कमाल की वैसे खुशबू होती है और यहाँ जी मैंने फटाफट ये जैसे भी हस्बैंड ने जो पके पके थे वो निकाल लिए थे वो मैंने पहले पानी में डिप किया पानी में डिप करने के बाद फिर मैंने इसको वॉश किया वॉश करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया जैसे वो ठंडा हुआ तो मैंने कहा चलें एक पहले ट्राई करती हूँ बहुत मीठा होता है और ये लाइट सा खट्टा खट्टा होता है और मीठा होता है बहुत ही मज़ेदार होता है आम और आपको पता ही है कि आम के कितने ज़्यादा फायदे हैं मैं कहती हूँ आम आया है और एक जैसे भी हर गर्मी के सीज़न में आता है तो प्लीज़ ये ज़रूर खाया करें आम खाने से ना जिसम में विटामिन सी और विटामिन ए और फाइबर मिलते हैं इससे और मैं कहती हूँ ये सब लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं क्यों क्योंकि ये हमारी जल्द को बड़ा शाइनिंग वाले बनाते हैं खूबसूरत बनाते हैं और हमारा जो हाज़मा होता है उसको भी अच्छा करते हैं तो मैं कहती हूँ कि आम इतना आता नहीं है और आम मैं कहती हूँ स्टोर नहीं किया जाता फ्रीज़ नहीं किया जाता आम को फ्रीज़ करने से ना वो टेस्ट नहीं रहता जब एक जब एक मौसम चला जाता है ना तो वो फिर खाने का भी दिल नहीं करता तो आ, इसके साथ साथ ना आज आपके साथ मैं एक एक न्यू अंदाज़ में ना एक न्यू स्टाइल में आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करती हूँ ये मैंने अभी देखी थी यूट्यूब पे बड़ी वायरल है तो मैं कहा चले मैं भी बनाती हूँ मैंने एक गिलास ले लिया उसके अंदर एक चॉप किया हुआ आम डाल दिया और साथ ही मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया सारे स्प्रेड कर दिया ग्लास के साथ मैंने आम के ऊपर डायरेक्ट नहीं डाला मैंने कहा यह ना कि सारा उसके साथ ही स्टिक हो जाए तो इसलिए मैंने सारा गिलास पे कर दिया उसके बाद मैंने ठंडा यक फेंटा हुआ इसके अंदर दूध डाला और ऊपर से मैंने आम की जो थी प्यूरी वो डाली और फिर मैंने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स और मैंने दो चम्मच इसके अंदर सागुदाना डाला सागुदाना डाला ठीक है और आपको पता है सागुदाने के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और मैंने इसमें चीनी नहीं डाली मैंने जस्ट इसके अंदर वन टेबल हाफ टी स्पून सॉरी मैंने इसके अंदर डाला कंडेंस मिल्क इसको अच्छे से मिक्स किया और उस ऊपर से मैंने आइस क्यूब डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद बस मैंने ये इंजॉय किया बड़ा मजेदार बन गया था और अभी और इशाल को मैंने शेक बना दिया था उन्होंने वो इंजॉय किया और ये था जी मेरा आज का भी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फुल रूटीन के बारे में पता चल गया होगा कि मैं कहाँ बिजी रहती हूँ इन शाला बहुत जल्द अपनी बैक रूटीन पे आ जाऊंगी जैसे बच्चों के स्कूल खुलते हैं तो इनशाला डेली व्लॉगिंग किया करूंगे इनशाला ओके जी फेस बाय बाय